एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज ये वीडियो रे मु बीएड रिलेटेड जो नेक्स्ट मंथ रे जो हबा को जाउची बीएड थर्ड सेमेस्टर एंड बीएड रे जो सेकंड सेमेस्टर हबा को जाउची तो से पिला मानको पई आज ये वीडियो टी। सो ए वीडियो रे थंबनेल ऑलरेडी आपण देखि सारथिबे जे को स्ट्रेटजी को जदि आपण टेकअप करिवे को स्ट्रेटजी को जदि फॉलो करिवे देन से स्ट्राटेजी द्वारा आपन को हेल्प करिवो जे आपन को टोटल जे गोटी जे मासे भी नहीं एग्जाम बोधे मे बी आ 15 टू 20 डेज अच्छी एग्जाम तो तारे भितरे तो को स्ट्राटेजी को जदि आपन टेकअप करिवे को स्ट्राटेजी को जदि आपन अपनाइबे देन आपन को सिलेबस जे रीडिंग सहित जहाँ भी किसी जो राइटिंग जो असाइनमेंट वगैरह आरंभ जो प्राक्टिकल अच्छे टोटाल आप कवर करें। सो ए भिडियो जे डिस्कस करवा जे स्ट्राटेजी को स्ट्राटेजी अच्छी टू गेट गुड मार्क्स बा से रुटीनटा कौन रही तो से रुटीन विषय में आज डिस्कस ए भिडियो करी। तो जेहेतु मुझी जे बहुत कम दिन अच्छी 15 रु 20 दिन अच्छी एग्जाम तो ता भितरे मैक्सिमम पिला भी जो मैंने भी हम तो प्राक्टिकल असाइनमेंट जहाँ भी दिखती तो मैक्सिमम पिला से प्राक्टिकल भी कर प्लस राइटिंग सहित जो रीडिंग जहाँ जहाँ सब जो सब पेपर्स रही जो 4 कि 5 पेपर ताको भी मैक्सिमम पिला ताको पढ़ापी जेहेतु किसी पिला जो बहुत फ्रिकिल माइंडर था हाँ एग्जाम टाइम पढ़ा तो जहाँ लास्ट को जमी एग्जाम बहुत पाखे आस जाए से लास्ट माइंड डिस्ट्राक्टेड हो जाती है और ओरेड हो जाते हैं बर्तन कौन करवा तो से पानी को स्ट्राटेजी को आज फॉलो करेंगे ताको आज मुझे डिस्कस करी। तो चलो फास्ट मु दुईटा पार्ट कर ए पार्ट में मुझे रीडिंग विषय ए जो पार्ट रिविजन विषय तो फास्ट आम गोटे मॉर्निंग रे जिते आम सका उठवा राति पर्यंत टोटल 24 घंटा भितर जो रीडिंग सहित तो रीडिंग करेंगे प्लस पुणी रिभाइज करेंगे विथ ता सहित तो आपड़ जो राइटिंग अच्छी जहाँ भी किसी असाइनमेंट अच्छे भी आप कवर करेंगे मुझे रुटीनटा आज बनई। ओके, सो फास्ट आम रीडिंग विषय पढ़ा फास्ट कह मॉर्निंग मॉर्निंग रे कौन करेंगे ना 6:30 to 7:30 आपड़ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फटा फास्ट आप पढ़ले एटा थर्ड इयर सहित फास्ट इयर पिला मानकर जहाँ भी किसी पेपर अच्छे भितर आपर पेपर व्वज आप विषय पढ़े। ओके, सो मु थर्ड सेमिस्टर कहूँ जे 6:30 to 7:30 जा आप अंडरस्टैंडिंग द सेल्फटा पढ़ले नेक्स्ट पुणी 7:30 to 8:30 आप इंग्लीश पेडागोजी जेकोसी साइंस स्ट्रीम जेकोसी एनी पेडागोजी पेपर आपको पढ़ले ये घंटाटे पढ़ले ये भी घंटाटे पढ़ले गला तो ये मॉर्निंग टाइम कथा कहूँ मुझे नेक्स्ट कहली मुझ 8:30 to 8:30 पाठ सरला पढ़ा तो 8:30 जो 9:30 जो घंटाटे मिलला से घंटाटे मुझे आपको देली ब्रेकफास्ट करेंगे ता सहित आप रेस्ट टिके करेंगे। ओके, नेक्स्ट पुणी घंटे पर स्टार्ट हम 9:30 to 10:30 घंटे आप लर्निंग असेसमेंट पढ़े पुणी 10:30 to 11:45 by 11:30 आपंकर अकॉर्डिंग टू योर सुइटेबल टाइम अनुजाई आप सोशल साइंस जेकोसी साइंस जेकोसी एनी पेडागोजिक पेपर पढ़े तो यही रुटीनटा थी केवल मॉर्निंग रे रीडिंग टाइम पढ़े प्रैक्टिस करेंगे मुखस्त करेंगे क्लियर। नेक्स्ट एपट जो रिविजन देती तो रिविजन टाइम बर्तमान बहुत इंपोर्टेंस लाइफ रे होची जो एजुकेशन लाइन में सब गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस रही कौन जे रीडिंग सहित आम रिभाइज करवा बहुत इंपोर्टेंट जिनस करवा दरकार कहीं रिविजन प्लेज ए वाइटल रोल रिविजन ही बहुत इंपोर्टेंट जिनस प्ले प्ले करे। ओके, सो इवनिंग एवं आफ्टरनून आफ्टरनून में कहली 4:00 to 4:30 बर्तमान पढ़े घंटाटे तेनाली अधघंटे प्रति सब्जेक्ट आपड़ रिविजन एनफ किसी अधिक समय दरकार नहीं तेणु 4:00 to 4:30 अधघंटे आप अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ ताको पुणी आप रिभाइज कले पुणी 4:30 to 5 अधघंटे एनी पेडागोजी पेपर जमी ये इंग्लीश थी इंग्लीश थी अन्न्य जो साइंस स्ट्रीम जहाँ भी होता आप रिभाइज कले अधघंटे पुणी 5:30 to 5:30 मुझे हाफ एन आवर फ्री देली पुणी 5:30 to 6 आप लर्निंग असेसमेंट करेंगे पुणी 6:00 to 6:30 आप एनी पेडागोजी पेपर ताको प्रैक्टिस करेंगे तो ये इवनिंग काम शेष रिविजन काम शेष लास्ट में कहली जो 6:30 to 9 पर्यंत आप जहाँ ड्यूटी अच्छे करूँ ताप 9:00 to 12:30 एमती आपको जहाँ भी आप असाइनमेंट अच्छी रिटिन वर्क अच्छे आप करेंगे। सो यहाँ थी गोटे दिन रीडिंग टाइम रिविजन टाइम करवा प्लस तार जो रिटेन वर्क जहाँ भी किसी लिखा रही है करेंगे तो यही स्ट्राटेजी को आपणतु डेफिनेटली आपंकर सिलेबस ही कवर हे तो फर्स्ट सेमिस्टर सेकेंड सेमिस्टर जो मुझे कंटिन्यू करी पढ़ू से टाइम तेणु मुझे यही स्ट्राटेजी को मुझे कौन करी ना मुझे अपनाऊँ यही स्ट्राटेजी को मुझे टेकअप करी फॉलो करी। ओके, सो एवं यही स्ट्राटेजी मतलब बहुत
इम्प्रूव मत बहुत हेल्प करता टू गेट गुड मार्क्स ओके सो फास्ट मुझे कहली तेणु इम्पोर्टा जिनस मन रखिए जे बीएड रे पाठ सीखु पाठ सीखु पाठ पढ़ु ना कि आपण जो मन इच्छा जहाँ भी हिस्ट्री आसो आप एग्जाम खाता केवल फिलअप करके रखी 70-80% दैट इज द नॉट बिग डील द बिग डील इज तुम्हें पाठ शिखीछ ना शिखिन प्राक्टिकाली तुम्हें शिखीछ ना शिखिन फंडामेंटल क्लियर इज ना ही सो दैट इज द बिग डील ओके सो लास्ट मुझे खाली संगे संगे आउ थे रिवाइज कर दूसरी मॉर्निंग रे 6:30-7:30 पढ़ले अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पुणी संगे संगे 7:30-8:30 पढ़ले जेकोसी पेडागोजी पेपर पुणी 8:30-9:30 घंटे मुझे ब्रेकफास्ट सहित रेस्ट पाई आप टाइम मुझे देली 9:30-10:30 पुणी स्टार्ट करेंगे पढ़े लर्निंग असेसमेंट पुणी 10:30-11:45-11:30 घंटा आप जेकोसी सोशल साइंस जेकोसी एनी पेडागोजी पेपर आप पढ़ले गला चार्ट पेपर कंप्लीट हो गला तो थ्योरी पार्ट कंप्लीट रीडिंग टाइम भी कंप्लीट नेक्स्ट आसो आप रिवाइज करेंगे रिवाइज कले कौन हम ना आप मेमोरी जो रिकॉल जो रिमेम्बरेंस जो जो पावर टाइम इंप्रूव हम एटा जो रेगुलर आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली एग्जाम बहुत भल करेंगे तो इवनिंग कौन करेंगे आफ्टरनून इवनिंग ना आफ्टरनून 4:00-4:30 अधघंटा ना आप रिवाइज बहुत एनफ टाइम ओके सो 4:30-4:30 पढ़ला अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पुणी 4:30-5 होती एनी पेडागोजी पेपर आप संगे संगे रिवाइज कले पुणी 5:00-5:30 अधघंटा मुझे टाइम देली 5:30-6 होती लर्निंग असेसमेंट पुणी 6:00-6:30 होती पेडागोजी पेपर ये आपंकर थ्योरी पाठ पूरा कवर एवं लास्ट को जो रात 9:00-12:30-12:30 जेकोसी आप टाइम पाइबे जिते पर्यटन पारे आप प्राक्टिकल असाइनमेंट जहाँ भी होती रिटर्न वर्क आप कले सो नाउ फाइनाली वी हैव कम टू द एंड एंड इट्स टाइम टू टर्मिनेट द वीडियो एंड आई विल फिनिश इट एंड दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन गेट गुड मार्क्स और हाउ यू कैन मेक ए परफेक्ट रूटीन टू गेट गुड मार्क्स इन योर थ्योरी एज वेल एज टू फिनिश योर प्रैक्टिकल वर्क ओके सो थैंक यू इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल वन मोर थिंग वीडियो लास्ट रे मु निहाती कहिबी गोटे बहुत इंपोर्टेंट कथा जे मु ये वीडियो परे मु सब जो चारटा पेपर अच्छे बीएड थर्ड सेमिस्टर रे मु तार सब थिरे सब सिलेक्शन क्वेश्चन बा इंपोर्टेंस क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन मु देबी पर पेपर रे अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ हो इंग्लिश पेडागोजी लर्निंग असेसमेंट सोशल साइंस ए सब थिरे मु सिलेक्शन क्वेश्चन मु प्रोवाइड कर देबी ता पई मु वीडियो करबी विथ ता सहित मुझे नेक्स्ट पुणी से जो सिलेक्शन क्वेश्चन उपरे पुणी वीडियो सब गोटे गोटे वीडियो बनई कि मुझे भलसे एनालिसिस कर देबी बहुत विथ ए शॉर्ट ड्यूरेशन ले ओके okay?